हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किड जोन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि बच्चे के दिल से ना एग्जाम की डर को कैसे निकाले एंड छोटे बच्चे को एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करवाएं। देखिए अभी एग्जाम सीजन आ रही है, सबका एग्जाम स्टार्ट हो रही है। देखिए अभी यहाँ हमारी जो साउथ साइड में है, अभी ये टाइम में एग्जाम मेरे बच्चे का एग्जाम नर्सरी में है, उसका एग्जाम 19 को है। दूसरे साइड में ऑलरेडी एग्जाम हो चुके, हॉलीडे भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं बता रही हूँ जो हम मेरी बच्चे के बारे में, जो नर्सरी में उसकी एग्जाम 19 को है। मेरी बच्चे को 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि पहला दिन उसको रहेगी राइटिंग का, सेकेंड डे उसको ओरल है, थर्ड डे उसको ड्राइंग है एंड फोर्थ डे उसको राइम्स है। तो उसके लिए मैंने कैसा प्रैक्टिस की हूँ, कैसा क्या की हूँ, क्यों देखिए मतलब बड़े बच्चे को तो एग्जाम के लिए रेडी कराना, तैयार करवाना तो बहुत ईजी है, लेकिन एक छोटे बच्चे को, एक 3.5 साल के बच्चे को एग्जाम के लिए रेडी करना वो तो टफ बात होती है। अगर खुद आप आपके बच्चे को घर में पढ़ा रही हो, अगर आपके बच्चे के साथ आप जुड़े हुए हो पहले से, तो हो सकती है आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो माँ बाप बच्चे लोग को बाहर में भेजते, मुझे तो नहीं लगता कि उतने छोटे बच्चे को बाहर भेजनी चाहिए। तो नॉर्मली आप 6th 7th क्लास तक तो इजीली देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अलग बात है। अगर आप वर्किंग वुमेन हो, मैं मेरी बच्चे की बात बता रहा हूँ, बहुत छोटे बच्चों के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर आप उसको तैयार करवा रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ के ऊपर, कौन सी चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे तैयारी कराना चाहिए। जैसे कि मेरी बच्चे को अभी फर्स्ट डे उसको है अल्फाबेट के ऊपर है ना, कैपिटल अल्फाबेट, तो कैसे तैयारी करवाना है। पहले आप उसको ये मालूम होनी चाहिए कि आपके बेटे को ना, आप सॉरी आपके बच्चे को ना अल्फाबेट मालूम होनी चाहिए। नॉर्मली नर्सरी में आपको कैपिटल ही सिखाना पड़ता है, स्मॉल की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सिखाने के टाइम और कैपिटल स्मॉल एक साथ में सिखा दे रहे हो तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे को एक ही साथ में याद रहते हैं कि कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। तो बच्चे को पहले A to Z लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद जब आपके बच्चे को A to Z लिखनी आ जाती है तो आप उसको बिफोर एंड आफ्टर वाला सिखाइए। जैसे कि A की बात क्या आता है, D की बात क्या आता है, X की बात क्या आता है, उसे पहले क्या आता है, W से पहले, Y से पहले। अगर इस तरह से आप लिख के दोगे ना एक बॉक्स करके, आप उसको फिल करिए। अगर स्कूल में आपको 2-3 तरह का भी उसको पूछा जा रहा है ना, तो भी आपके बच्चा बहुत अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाती है। उससे पहले प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे के दिमाग में ना एग्जाम के लिए बिल्कुल डर निकले, कोई एक डर रहता है ना एग्जाम के लिए, वो डर उसके दिल में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, एग्जाम वाली डर। क्योंकि अभी 3-3.5 साल के बच्चे को क्या पता है एग्जाम क्या होती है। मैंने तो उसको ऐसा समझा के रखा हूँ, एग्जाम ना एक बहुत अच्छा सा गेम होती है, जो गेम में ना सबको कैसे भी पार्टिसिपेट करना है, आपको भी करना है, सब दोस्त को करना है, उसमें कुछ हार जीत में कोई मायने नहीं रखता है। बस उसमें पार्टिसिपेट करना, अच्छे से लिखना, अच्छे से बोलना, अच्छे से राइम्स करना, अच्छे से पेंटिंग करना, तो टीचर बहुत खुश हो जाएगी एंड आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगी, चॉकलेट्स मिलेगी, पेंसिल मिलेगी, इरेजर मिलेगी, तो आपको टीचर बहुत प्यार करेंगे, किस करेंगे, हग करेंगे, ओ मेरे बेटा खुश हो जाते हैं। हाँ अगर मैंने गेम में पास हो जाता हूँ तो ये होगा, अगर मैं गेम में लिखता हूँ ये होगा, तो उसके दिल में ना ऐसा कुछ अभी तो मैंने डाला नहीं कि क्या होता है। जब बड़े हो जाएगी उस टाइम में आपने उसको सिखा सकते हो, तो बच्चे को आपने मालूम पड़ेगा कि एग्जाम क्या होता है। इतने छोटे बच्चों को एग्जाम क्या हो बोल तो क्या सोचने लगेगी हो। तो इसके लिए मैंने उसको ऐसा प्रिपेयर की हूँ, कल उसकी एग्जाम है 19 को, पता नहीं मतलब ये वीडियो कब आएगी, बट मेरी बेटा तो बहुत अच्छा है, मतलब इतना समझदार है, बाय गॉड टच वुड में नहीं बता, मतलब ऐसा है वो खुद बोलता है, मम्मी मैं अगर अच्छे से सब कुछ बोल दूंगा टीचर को तो टीचर मुझे प्यार करेंगे ना, हक करेंगे, गिफ्ट तो देंगे ना मुझे, गिफ्ट में क्या चाहिए बोलते, मुझे जेम्स चाहिए बोलता है, मुझे बड़ा वाला एक लॉन्ग पेंसिल है ना वो वाला चाहिए मुझे, एंड मैं पार्टिसिपेट करूंगा एंड मेरे दोस्त लोग को भी बुला के लाऊंगा। मतलब उसके दिल में ऐसा चीजें मैंने भर के रखा है। एंड छोटे बच्चों को आप इस तरह से प्यार से बोल के रेडी करवाइए एंड उनको ये भी बोलिएगा कि जब टीचर ने आपको राइम्स में पूछते हैं ना, आपने बोलो राइम्स, आपको जो टीचर पूछते हैं ना आप बोलो, क्योंकि वो गेम में अगर आप नहीं बोलोगे ना तो फिर आप बाहर जाते हो, गेम में आप बोलोगे ना आगे जाते हो, टीचर फिर आपको प्यार करते, ज़्यादा प्यार करते, तो वो उसमें खुश हो जाता है। एंड ड्राइंग में भी आपको जो टीचर ड्राइंग देते करने के लिए, आप भी ड्राइंग भी करें, क्योंकि ड्राइंग का मेरे बेटा बहुत दीवाना है, बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। आपको घर में ना ड्राइंग वगैरह प्रैक्टिस करा लेनी चाहिए, राइम्स वगैरह प्रैक्टिस करा लेनी चाहिए। एंड उसको क्या पूछा जाएगी राइटिंग में भी छोटा नर्सरी बच्चे को कि 1 to 20 तक का काउंटिंग एंड 1 to 20 तक का राइटिंग, एंड मेरे बच्चे को बाई गॉड 1 to 100 तक की आती है, लेकिन एग्जाम में हो सकती है उसके नर्सरी की सिलेबस में 1 to 20 तक के, तो 1 to 20 तक के राइटिंग बिफोर करके आफ्टर करके भी लिखाइए, 1 to 20 भी लिखाइए उसको, एंड उसको बोलिए कि जब वो लिखता है ना बोल बोल के लिखे कि 1 2 लाइक दैट,
मेरी बेटा तो 1 2 को बोलता है, लेकिन जब 11 से स्टार्ट होती नहीं बोलता था। आजकल मैंने बोली हूँ 1 1 11 1 2 12 ऐसा बोलो एंड लिखो, खाली ऐसा नहीं लिखना। खाली लिखने से टीचर को अच्छा नहीं लगता ना, टीचर का दिल दुख जाता है, मम्मी का भी दिल दुख जाता है। अगर आप ऐसा बोल बोल के लिखोगे ना, टीचर हैप्पी करेगा, स्माइल करेंगे, मम्मी भी स्माइल करेगा। आप चाहते हो मम्मी स्माइल करे, तो मेरी बेटा बोलता हाँ मेरा मम्मी हमेशा स्माइल करे, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर वो बोलने लगता है 1 1 11 1 2 12। तो इस तरह से उसके माइंड में मैं डाल के रखा हूँ कि देखो एग्जाम ने बहुत अच्छा सा गेम है, उसमें सब बच्चे लोग को पार्टिसिपेट करना है, आपको भी करना है, बाकी दोस्त लोग को भी करना है। तो इसीलिए आप इस तरह से बच्चे के दिल में प्यार से छोटे बच्चे को ना रेडी करिए एग्जाम के लिए, वरना बिल्कुल बच्चे के दिल में ना एग्जाम की डर मत बिठाइए। दूसरी बात है ना, बच्चे के सामने कभी नेगेटिव मत बोलिए। अगर आपके बच्चा भी LKG UKG में भी है ना, तो आप उसको ऐसा मत बोलिए देखो तुम एग्जाम अच्छे से नहीं लिखोगी तो तुम्हारा क्या होगा, तुम रह जाओगी, सब बच्चे नेक्स्ट क्लास को चले जाएंगे, सबकी प्रमोशन हो जाती नेक्स्ट क्लास को, तुमको तो कुछ भी नहीं आता, तुम ये क्लास में रह जाते हो, तो नेगेटिविटी आ जाता है। तो उसके वो सोच सोच में ना वो जो आता है वो भी भूल जाएगा, हाँ मेरी मम्मी तो बता रही थी कि मेरी पापा बता रहे थे कि घर वाले बता रहे थे, मुझे तो कुछ नहीं आता। बच्चे के सामने कभी ये मत बोले तुमको कुछ नहीं आता, तुम फेल होने वाले हो, तुम फेल हो जाओगे, तुम रह जाओगे, आगे नहीं जा सकते हो। भाई आज की एग्जाम की एग्जाम मैंने जो आती है ना वो होती है कुछ मार्क्स, वो मार्क्स ओनली पेपर में रह जाता है, उसको लेके आगे आपको कुछ होने वाला नहीं है। एंड बच्चे के दिल में कभी नेगेटिविटी मत फैलाइए, बच्चे को अच्छे से रेडी करवाइए। एंड बच्चे को कभी भी पॉजिटिवली बोलिए कि ठंडे दिमाग से देखो, एंड बच्चे को पहले प्रैक्टिस करवा दीजिए, जैसे कि मैंने ABCD 1 2 राइम्स बिफोर आफ्टर लेटर न्यूमेरिक नंबर कैपिटल लेटर सब कुछ प्रैक्टिस करा दी हूँ कि वो शांति से जाके ऐसे एग्जाम को वो जाए, एंड टीचर जो पूछे उसकी रिप्लाई करे, रेस्पॉन्ड करनी चाहिए, लिखनी चाहिए। सेम डील में दौर बैठ जाएगी तो कुछ नहीं करेगा। एंड उसको ये बोलिए ठंडे दिमाग में लिखना बेटा, कि बच्चा कुछ नहीं होता, जो आता ही लिखो एंड एक ही फ्लो में लिखो। पहले पहले देखे ना हैंड राइटिंग बच्चे कैसा करते, पहले पहले अच्छे अच्छे लिख देते, पहला पेज सेकंड पेज को गड़गड़ गड़बड़ करके लिख देते हैं ना, तो सब बिल्कुल मत करिए। आराम से पूरा क्वेश्चन का रिप्लाई कर मतलब आंसर देके आइए। तो बच्चे को ना पहले अगर आप प्रैक्टिस करते हो, पूरे साल में का नोटबुक आपके पास आती है तो आपको पता ही है आपके बच्चे को एग्जाम में क्या होने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या सिलेबस में आएगी, तो उसके ऊपर आप ना 2-3 बार पहले प्रैक्टिस कर। जो चीज़ें बच्चे गलती कर रहे हैं, जैसे कि मेरे बेटा 4-5 लेटर है, एक हो गया जी हो गया, एक वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, बहुत विचित्र लिख देता है वो लेटर को ना मैं ज़्यादा देर प्रैक्टिस कराती हूँ। उसका बिफोर लेटर दे देती हूँ कैपिटल में, उसका आफ्टर लेटर दे देती हूँ कि उसको ही लिखो। तो उसको ना बार बार प्रैक्टिस ऐसा कराने से उसको ऐसा आदत हो जाती है। तो बच्चे को आप इस तरह से रेडी करवा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं, बहुत पॉजिटिवली वर्ड बोलिए एंड बहुत प्यार से उसके सामने, छोटा बच्चा है, अभी के एग्जाम उसकी फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं कर सकता है, तो आप उस हिसाब से उसको प्यार से समझा कर रेडी करवाए एग्जाम के लिए। एंड मैं तो मेरे बच्चों को ऐसे रेडी करवाई हूँ, और आपके पास कुछ अच्छा टिप्स है आप कैसे रेडी करवाए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।